नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम मेंथा ऑयल का टेक्निकल आउटलुक देखेंगे। देखिए, मेंथा ऑयल में अगर हम देखें परफॉर्मेंस वाइज तो मार्केट काफी मिक्स रहा है। 2021 के जुलाई में हमने 1125 का लेवल देखा था और अभी भी आप देखेंगे तो प्राइजेस में अच्छी गिरावट के बावजूद हमने रिकवर करते हुए देखा है। सितंबर 2021 से अभी तक प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी गेन देखी है। YOY की बात करें तो 12.5% की तेजी है। जनवरी से अभी तक 9% से ज्यादा की तेजी बनी है और पिछले 3 महीने में हम 13% की तेजी देख पाए हैं। अब कहीं ना कहीं टेक्निकली मार्केट मेक और ब्रेक सिचुएशन पे पहुंचा हुआ है। तो आइए आज आगे का आउटलुक देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट क्या दिखाता है। देखिए, सबसे पहले परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी देखा है कि पिछले एक साल के अंदर 12.5% की तेजी देखी है। मूविंग एवरेज वाइज अगर हम बात करें तो प्राइजेस की लेवल 1180 के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है, जो 200 डे मूविंग एवरेज है। कहीं ना कहीं 100 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है प्राइजेस और 5, 10, 20, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो संकेत देता है कि स्लोली एंड स्टेडली मार्केट पॉजिटिव मूव कर रहा है। वहीं RSI 61 है जो पॉजिटिव इंडिकेट करता है, CCI पॉजिटिव इंडिकेट करता है, MACD पॉजिटिव इंडिकेट करता है, ADX भी पॉजिटिव इंडिकेट करता है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफी पॉजिटिवली बन चुका है। हाँ, 1140 हमने पिछले हफ्ते भी टच करते हुए देखा है। प्राइजेस अगर इसको तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 1180 का लेवल तोड़ने पे 1240 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। OI थोड़ा सा कम जरूर है क्योंकि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं आ पा रहा है, बट ओवरऑल फंडामेंटल अगर मजबूती के साथ, जैसे हम जानते हैं कि स्विंग में ड्रॉप है, ये सारे फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये मेंथा ऑयल का 2 वीकली चार्ट है और यहाँ पे हमने 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट देखी है। पहला देखा है कि अगस्त 2020 से लेकर अभी तक एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। प्राइजेस 940-930 के नीचे जा नहीं पा रहा, तो मल्टीपल सपोर्ट ये लेवल पे क्रिएट कर चुका है। सिमिलरली अगर हम देखें तो 1120 का मल्टीपल रेजिस्टेंट बन चुका है। इससे पहले भी हमने देखा कि अप्रैल 2020 के अंदर ये एक रेजिस्टेंट का रूप ले रहा था, फिर हमने अप्रैल 2021 के अंदर भी यही हाई लगते हुए देखा और प्राइजेस नीचे आ गई। और रिसेंटली हमने एक ब्रेकआउट जरूर देखा बट मार्केट फिर से नीचे आ गया, लेकिन नीचे भी 1040-1050 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नई चीज ये है कि इस बार इचिमिको क्लाउड ग्रीन हो चुका है और ये आप देखिए अप्रैल 2020 के बाद पहली बार ये ग्रीन हुआ है। इसका मतलब ट्रेंड पॉजिटिव होना चालू हो चुका है। प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि कंफर्मेशन के लिए अगर ये 1180 के ऊपर निकलता है तो हम एक बड़ी तेजी देख पाएंगे। वहीं 23.6% का फिबोनाची लेवल है, ये ब्रिज कर चुका है, जो करीबन 1095 का है। अगर वीकली बेस पे प्राइजेस 1095 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है तो हमें लगता है कि प्राइजेस 61.8% के रिट्रेसमेंट तक जा सकता है, जो 1380-90 का लेवल है। टाइम फिबोनाची के हिसाब से भी देखें जो हमें बताता है कि आगे जब ये तेजी है वो कितनी चल सकती है, तो आप देख सकते हैं हमने एक स्विंग लिया था कि 2020 से 2020 अगस्त तक का यहाँ पे हमने मंदी का स्विंग देखा था। फिर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था 2 टाइम जोन में, बट टाइम जोन 3 में जैसे एंटर किया आप देख सकते हैं कि 940 से मार्केट स्लाइडली स्लोली ऊपर 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 जाता हुआ दिखाई दिया और 1120 तक पहुंच चुका है। और अगला टाइम जोन जो है वो सितंबर में शिफ्ट होगा, मतलब सितंबर तक मार्केट का ध्यान तेजी का रहना चाहिए क्योंकि इचिमिको क्लाउड ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिखा रहा है, अदर इंडिकेटर भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं टाइम जोन के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से और इचिमिको के हिसाब से हमें लगता है जब तक प्राइस 1040 के ऊपर मेंटेन है ट्रेंड पॉजिटिव है। कंफर्मेशन के लिए हम 1140-1180 का लेवल देख रहे हैं, इसके ऊपर निकलने पे एक ब्रेकआउट अच्छा है जो 1380 का लेवल आराम से दिखा सकता है कंजर्वेटिवली। तो यही हमने टेक्निकल्स में देखा है कि 2 वीक का जो चार्ट है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। फिबोनाची लेवल, इचिमिको क्लाउड और टाइम बेस्ड फिबोनाची, ये सभी पॉजिटिव दिखा रहा है। वर्टेक्स भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है और लग रहा है कि प्राइजेस जल्दी एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंच सकता है। तो ध्यान रखिए, मेंथा में पोजीशन बनाकर चलनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।